दोस्तों 11 अगस्त को बॉलीवुड के वन ऑफ द एक्शन स्टार यानी सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 और आज इस मूवी के रिलीज हुए बॉक्स ऑफिस पर 18 दिन पूरे हो चुके हैं। तो वहीं 19वें दिन की रनिंग और थिएटर्स में चल रही फिल्म को लेकर अभी भी ऑडियंस के अभी भी जितना जबरदस्त टाइप और क्रेज देखने को मिल रहा है कि वॉकिंग डे और नॉन हॉलीडे में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आपको, ये फिल्म इतिहास रचने में बस 2 कदम दूर है। बता दें कि ये फिल्म अब हिंदी वर्जन से सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली पहले नंबर की फिल्म बनने वाली है। आइए हम आपको बता दें जो आज हम बात करने वाले हैं। गदर 2 मूवी अब तक के यानी टोटल 18 दिनों में और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वहीं ये फिल्म आज यानी 19वें दिन कितने करोड़ रुपये कलेक्शन कर रही है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त को गदर 2 OMG 2 के साथ कलेक्स हुआ, लेकिन OMG 2 का कोई भी असर फिल्म की कमाई पर देखने को नहीं मिली। लगातार गदर 2 इतना ज़बरदस्त कलेक्शन करने लगा है कि कम स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद लगातार 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े रिकॉर्ड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिए कि कम स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बावजूद लगातार गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बड़े बड़े बॉलीवुड के फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में केवल 80 करोड़ रुपए के स्मॉल बजट में ही बनाया गया दोस्तों, जिससे सुपरस्टार सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा लीड रोल में दिखाई देते हैं और वाकई में इन तीनों के एक्टर्स की एक्टिंग और परफॉर्मेंस, वहीं फिल्म की कहानी और क्लाइमैक्स एकदम जवान से लेकर के होने की वजह ऑडियंस और क्रिटिकस दोनों की तरफ से फिल्म की पॉजिटिव रिस्पांस मिला और फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने लगी। जी हाँ दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में 3500 के करीब स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को पठान के मुकाबले 1000 से कम स्क्रीन्स मिली, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है, तो वाकई में काबिले तारीफ है। बता दें कि इस फिल्म को ओवरसीज में लगभग 500 से करीब स्क्रीन्स मिली, जैसे है तो यह फिल्म वर्ल्ड वाइड जो लगभग 4000 के करीब स्क्रीन्स में चल रही है। अगर बात करें फिल्म की अब तक की यानी टोटल 19 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, बता दें फिल्म ने पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से लगभग 40 करोड़ 10 लाख रुपये से ओपनिंग ली थी। दोस्तों बात कर लेते हैं फिल्म की आज की यानी 19वें दिन के कलेक्शन को लेकर, तो बता दें कि आज इस फिल्म को ऑडियंस का ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मॉर्निंग शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 10% के बीच में देखने को मिली, जो कि समझिए कल के मुकाबले लगभग 1% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिली। तो वहीं अभी तक की मिली हुई रिपोर्ट के माने तो रात में शो की 30% करीब देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ बता दें कि यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है, लेकिन आप में से कई लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि यह फिल्म इतिहास रचने में बस 2 कदम दूर किया है, लेकिन कैसे। तो बता दें कि आपकी जानकारी के लिए पठान फिल्म, जिसने हिंदी वर्जन में इंडिया नेट कलेक्शन के मामले में लगभग 524 करोड़ 53 लाख रुपये की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन कर रखी है का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब गदर 2 को केवल 60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन की गदर 2 पठान फिल्म की हिंदी वर्जन का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली पहले नंबर की फिल्म गदर 2 बन जाएगी और एक बड़ी हिस्ट्री होगी, क्योंकि इसी साल पठान फिल्म ने एक इतिहास रचा और इसी के साथ पठान का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए गदर 2 ने हिस्ट्री बना दी, जो कि एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड कह सकते थे। वैसे आपको गदर 2 फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।